सीज़र, माताहारी और मिर्ज़ा। हाय अल्लाह, ये हाथी का हाथी कुत्ता काहे को ले आए? चौकीदारी के लिए। किसकी? घर की। इस घर की? हाँ, बहुत ही होशियार कुत्ता है। घर में कुछ ना हो तब भी चौकीदारी कर सकता है। इस संवाद से लाभ ये हुआ कि वेतन मिलते ही हमने घर गृहस्थी का ज़रूरी सामान खरीद डाला ताकि कुत्ता उसकी चौकीदारी कर सके। लेकिन माँ बाप की समझ में आने वाला जो लाभ हमने अभी बयान किया, इससे अपने अबोध बच्चों को जानबूझकर वंचित रखने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। वो लाभ ये था कि हमारे यहाँ अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी अपने कुत्ते का नाम अंग्रेज़ी में रखता है और अंग्रेज़ी ही में उससे बातचीत और डांट डपट करता है। चुनांचे हमने सांकेतिक तौर पर ध्यान दिलाया कि इस कारण से बच्चों को अंग्रेज़ी बोलनी आ जाएगी। ये सुनते ही बेगम ने कुत्ते के सर पर हाथ फेरा और जंजीर ऐसे निर्णयात्मक झटके से हमारे हाथ से छीन ली जैसे लेडी मैकबेथ ने मैकबेथ के हाथ से खंजर छीना था। इन फॉर्म ऑफ पर्पस गिव मी द डैगर। अच्छा याद आया, इस ड्रॉप सीन से कोई 20 साल उधर जब आतिश जवान बल्कि नौजवान था, उसने नीली आँखों, भरी भरी टांगों और ब्लॉन्ड बालों वाली मैम को बाग में अपने पॉकेट साइज के पामेरियन कुत्ते को भींच भींच कर प्यार करते देखा था। था भी जालिम इसी काबिल, गोल मटोल छबरा, सफ़ेद बालों से उसका सारा शरीर इस बुरी तरह ढका हुआ था कि जब तक चलना ना शुरू कर दे बताना मुश्किल था कि मुँह किस तरफ है। हाय, वो भी क्या ज़माना था जब हर चीज़ जवान थी, हर चीज़ हसीन थी, हर चीज़ पर टूट के प्यार आता था। क्या महकते दिन थे वो भी। मेरी सांस में है गर्मी कि ये लू सी चल रही है। अच्छी तरह याद है कि इन पापी आँखों को जंजीर के दोनों तरफ हुस्न नज़र आया और दिल में ये प्यार भरी हसरत करवट लेने लगी कि अंग्रेज़ की ग़ुलामी से आज़ाद होने के बाद कभी चैन और कुंज की छाँव मिली तो एक नीली आँखों, भरी भरी टांगों और ब्लॉन्ड बालों वाला कुत्ता ज़रूर पालेंगे। मगर एक तो मिर्ज़ा के कथनानुसार उच्च जाति के कुत्ते बड़े महंगे दामों में मिलते हैं, दूसरा उस ज़माने में मकान इतना तंग था कि जानवर का तंदुरुस्त रहना मुश्किल। वो तो खुदा भला करे मिस्टर एस के डीन शेख खैरुद्दीन एम ए ऑक्सन का, जो हमारे प्रेम की आँख को हवा देते रहे। ये हमारे दूर परे के संबंधी पड़ोसी थे। इनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त कुत्ता था, असली ग्रेहाउंड, जिसे वो पड़ोसियों का खून पिला पिला कर पाल रहे थे। जिस्म ततैये जैसा और स्वभाव भी वैसा ही, यूँ तो भौंकने की सारी व्यवहारिक विधाओं में पारंगत था, लेकिन चांदनी छिटकी हो और उस पर मूड बन गया हो तो फिर कुछ ऐसी ओरिजिनल शैली का उपयोग करता कि जितनी बार भौंकता तबीयत को हर बार एक नई कुढ़न हासिल होती। देखा गया है कि ऐसे वैसे शौकिया भौंकने वाले कुत्तों की सांस तो दो चार बार में ही ट्याऊ ट्याऊ करते ही उखड़ जाती है, मगर ये कुत्ता बकौल मिर्ज़ा उर्दू में भौंकता था, यानी भौंकता ही चला जाता था। कहने वाले तो यहाँ तक कहते थे कि मिस्टर एस के डीन अपने खुद के बुजुर्गों को अपने लायक नहीं समझते थे, मगर अपने असील कुत्ते की वंशावली 15वीं पीढ़ी तक फरफर सुना देते और उसके पुरखों पर ऐसे गर्व करते जैसे उनका शुद्ध रक्त मिस्टर डीन के अपनी मूल्यहीन रगों में दौड़ रहा हो। कहते थे, नहर के इस पार इतना शुद्ध और खूंखार कुत्ता ढूंढे से नहीं मिलेगा। इसका दादा 15 जून 1941 को पौंडीचेरी में देसी कुत्तों से लड़ता हुआ मारा गया। चांदनी रात हू का आलम, चौराहे पर घमासान करण पड़ा था, कुत्तों के पुश्ते लग गए। मोहल्ले में मशहूर था कि मिस्टर के यहाँ कोई घबराया घबराया भी फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने चला आए तो उसे अपने स्वर्गीय कुत्तों के एल्बम दिखाए बिना फ़ोन को हाथ नहीं लगाने देते थे। ड्राइंग रूम में मिस्टर डीन की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी थी जो उन्होंने अपने कुत्ते के जीते हुए कप और ट्रॉफियों के साथ खड़े होकर और उसके बिल्ले कोट पर लगाकर खिंचवाई थी। हमारी एक प्राचीन इच्छा और आसक्ति को ध्यान में रखते हुए अकेले में हमें अपने टेप रिकॉर्डर पर उस मौजूदा कुत्ते के स्वर्गीय पिताश्री का भौंकना भी सुनाया। सुनकर उनकी आंखें छलक पड़ी और हमें भी उनकी हालत देखकर रोना आ गया।
कुत्ता पालने की इच्छा हमने बहुत बार मिर्जा के सामने रखी, मगर वो कुत्ते का नाम आते ही काटने को दौड़ते थे। कहते, हटाओ भी, वाहियात जानवर है, बिल्कुल बेकार। कुत्ते की उत्पत्ति का एकमात्र उद्देश्य ये था कि पितरस उस पर एक लाजवाब लेख लिखें। सो ये मंतव्य युग बीते पूरा हो चुका और अब इस नस्ल को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ये नस्ल समाप्त हो भी गई तो उर्दू व्यंग्यकारों का काम इससे चलता रहेगा। यूं तो सभी जानवरों के बारे में मिर्जा को जानकारी जालिमाना हद तक अधूरी है। मसलन अभी कल शाम ही लोमड़ी को गीदड़ की मादा समझ बैठे और गजब खुदा का बड़े चींटे को आम चींटी का नर, मगर कुत्तों के साथ वो विशेष कर सांप्रदायिक व्यवहार करते और अपनी बात को सिद्ध करने के लिए एक से एक दलील पेश करते। मिसाल के तौर पर एक दिन कहने लगे, जिस घर में कुत्ता हो उस घर में चोर ही नहीं देवदूत भी नहीं जा सकते। चोर का न जाना तो समझ में आता है, मगर देवदूतों को क्या डर है? इसलिए कि कुत्ता अपवित्र होता है, मगर कुत्ते को साफ सुथरा तो रखा जा सकता है। अंग्रेजों को ही देख लीजिए, सुबह शाम नहलाते हैं। मियाँ, उपले को अगर सुबह शाम साबुन से धोया जाए तो क्या वो पवित्र हो जाएगा? ठीक है, मगर सवाल ये है कि कुत्ता कैसे अपवित्र हुआ? गलत बहस करना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी स्वर्गीय नानी जान कहा करती थी कि कुत्ते के मुंह में सूअर की राल होती है। लीजिए, आपने अपवित्रता का एक अछूता ही तर्क ढूंढ निकाला। भाई मेरे, एक मोटी सी पहचान तुम्हें बताए देता हूं, याद रखो, हर वो जानवर जिसे मुसलमान खा सकते हैं पाक है। इस कारण मुस्लिम देशों में बकरों को अपनी पवित्रता की वजह से खासा नुकसान पहुंचा है। बकने वाले बका करें, मुसलमान ने कुत्ते को हमेशा कुत्ता ही कहा है, बड़े आदमियों के नाम से नहीं पुकारा। बड़े आदमियों की एक ही रही। आपने सुना नहीं कि वंशानुगत सब कुत्ते एक जमाने में भेड़िए थे? भेड़िए, आदमी के साथ में रहकर उनका भेड़ियापन जाता रहा, मगर खुद आदमी। देखो, तुम फिर लिटरेचर बोलने लगे, ज्ञान देना समाप्त करो यार। इस विषय विशेष में मिर्जा के नस्ली पूर्वाग्रह की जड़ें उनके कुत्ता काटे बचपन तक जा पहुंचती हैं, इसलिए हमने अकारण उनसे उलझना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप कुत्ता पालने की आकांक्षा को पालते रहे। यहाँ तक कि वो दिन भी आ गया जब हमारा अंग्रेज अफसर भारी दिल और उससे ज्यादा भारी पैरों से अपने वतन की तरफ रवाना हुआ, और कूच से पहले उस लगाव के कारण जो हमें उससे और उसे अपने कुत्ते से था, उसने पूछा, तुम चाहो तो मेरा कुत्ता बतौर यादगार साथ रख सकते हो, इम्पोर्टेड असेशियन है, 13 माह का, सीजर कहकर पुकारो तो दुम हिलाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस खास बुलावे में कमज़ोर दिल के आदमी के लिए ललचाहट के क्या क्या सामान छिपे हुए हैं। इसमें बिल्कुल शक न था कि इससे बेहतर और कोई यादगार हो ही नहीं सकती थी कि जब भी वो भौंकेगा अफसर की याद ताज़ा हो जाएगी, और फिर ये कि अल्सेशियन। कभी हम उसको, कभी अपने घर को देखते हैं। अफसर की मामूली मेहरबानी से हमें इतनी खुशी हुई कि बकौल मिर्ज़ा, अगर उस वक्त हमारे दुम होती तो ऐसे हिलती कि फिर न थमती। रही सही हिचकिचाहट को लफ्ज़ इम्पोर्टेड ने दूर कर दिया। उस काल में हर वो चीज़ जो हमारे प्यारे वतन में न पैदा हुई हो आदरपूर्ण दृष्टि से देखी जाती थी। चुनांचे हर बिगड़ा हुआ मुसलमान रईस ये साबित करने पर तुला बैठा था कि न सिर्फ उसके कुत्ते बल्कि उसके अपने बुजुर्ग भी असली इम्पोर्टेड थे, और वो भी सिर्फ एक तलवार लेकर हिंदुस्तान से पधारे थे। इम्पोर्टेड कुत्ता समाज में क्या हैसियत रखता है, इसका सरसरी अनुमान उन घटनाओं से लगाया जा सकता है जो 2 साल पहले हमारी नज़र से गुजर चुकी थी। हमसे 4 घर दूर मिस्टर खिलजी बैरिस्टर रहते थे। इनके स्वर्गीय वालिद ने चंद नायाब कुत्ते विरसे में छोड़े थे। छोड़ने को तो चंद नायाब किताबें भी छोड़ी थी, मगर यूं कि वो भी कुत्तों से ही संबंधित थी, इसलिए हमने जानबूझकर उसकी चर्चा नहीं की। इन्हीं में से एक 2 गली सी कुतिया थी जिसके बारे में उनका गर्वीला दावा था कि उसकी नानी जोसेफीन के संबंध रॉस्पुटिन से रह चुके थे, जो कि एक इम्पोर्टेड ग्रेट डैन कुत्ता था। साथ ही ये कि वो शिमला सिविल एंड मिलिट्री कैनल से इस दिली धड़के का सर्टिफिकेट हासिल कर चुके थे।
जो उनके सोने के कमरे में आज भी आंखों को नूर और दिल को सुरूर बख्शता है। नाम माताहारी रख छोड़ा था। किसी समय में उसके लिजलिजे कान हर वक्त लटके रहते थे, मगर उन्होंने शहर के बेहतरीन सर्जन से ऑपरेशन कराकर अल्सेशियन की तरह खड़े करा लिए। रंग हल्का ब्राउन, जैसे मीठी आंच पर सिका हुआ टोस्ट। बैरिस्टर साहब की एंग्लो इंडियन बीवी, जो खुद भी बड़ी भरी पूरी सी औरत थी, साम्राज्य की तरह हस्तांतरित हुई। उस पर अपने हाथ से यूडी क्लोन छिड़क कर मगरमच्छ की खाल का जड़ाऊ कॉलर पहनाकर घुमाने ले जाती और अपने जूते से मैच करने के लिए उस पर ब्रश से खिजाब लगा देती। कभी सियाह, कभी बोलता हुआ उन्ना भी। ये तो गर्मियों की शामों के सामान्य क्रियाकलापों में से एक था। जाड़े में माताहारी फ्रेंच ब्रांडी के दो चमचे घटाघट पीकर ईरानी कालीन पर अपनी मलिका की तरह इटैलियन रेशम की अंगिया का आरोप लगाए सोते जागते पहरा देती। सूरत से भेड़िया और सीरत से भेड़। हम भेड़ इसलिए कह रहे हैं कि सुबह शाम विलायती बिस्कुट और डिब्बे का गोश्त खाते रहने के बावजूद, या शायद इसी कारण, बकर ईद की रात को मोहल्ले के कसाई के कुत्ते के साथ भाग गई। तीन रात बाद भटकती भटकाती लौटी भी तो इस तन तने से कि एक दर्जन जीवन साथी दाएं बाएं और सार्वजनिक मिलन के गली गली चर्चे, मगर अक्ल छूकर नहीं गई थी। बकौल मिर्जा, बिल्कुल गधी थी। उन्हीं से सुना कि अक्सर बाजारी कुत्तियों के पिल्ले आकर चुसर चुसर उसके दूध का आखिरी बूंद तक पी जाते और अपने बच्चे दुम हिलाते या प्लास्टिक की हड्डियां चचोड़ते रह जाते। मगर ईमान की बात यह है कि चौकीदारी के लिए कतई बुरी नहीं थी, मतलब अपनी इज्जत आबरू के अलावा हर चीज की भरपूर सुरक्षा कर सकती थी। इसके ये लक्षण देखे तो बैरिस्टर साहब ने उसकी रखवाली के लिए एक चौकीदार रखा। इसी साल गर्मियों की छुट्टियों में वो अपने कुनबे और कुतिया समेत कार से मरी जाने लगे तो उनके नाना जान किबला ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। बस अड़ गए, मैं इस अपवित्र कुतिया के साथ कार में सफ़र नहीं कर सकता। लिहाजा बैरिस्टर साहब उनको हमारे यहाँ छोड़ गए। जितने दिन उक्त बुजुर्गवार हमारे यहाँ मेहमान रहे, रात की नमाज के बाद हाथ फैला फैला कर सच्चे न्यायकर्ता से दुआ मांगते कि परवरदिगार, मालजादी माताहारी सालाना जचकी में अपनी भूमिका के अंत को पहुँचे, कुतिया कहीं की। हर रंग हर साइज की गाली उनकी दैनिक बातचीत में नगीने की तरह जड़ी होती। दिन भर नमाज की चौकी पर बैठे सबको उनके रुतबे के मुताबिक छोटी बड़ी गालियां देते रहते। दुआ में भी उनका यही रंग रहता। मिर्जा का विचार था कि वो अगर अपने दिल पर जबरदस्ती करके दुआ में से गालियां निकाल दें तो सारा असर जाता रहेगा। जो दुआ दिल से न निकले वो कैसे कबूल हो सकती है? और दुआ मांगने के वक्त के अलावा हर आए गए के सामने अपनी अवज्ञाकारी धेवती के तुलनात्मक व्यवहार, जो कि कुतिया से होता था, के शिकायतों का पिटारा खोल देते। उनके तमाम शिकवे का सार बस यही था कि मेरे साथ कुत्ते जैसा व्यवहार क्यों नहीं किया जाता, आखिर मैं भी जानदार हूँ। इम्पोर्टेड कुत्ते और छैल छबीली धेवती की ये मज़ेदार कहानी बयान करने का कारण ये है कि लफ्ज़ इम्पोर्टेड ने अंग्रेज अफसर के मुंह से निकलते ही हमारी सुरक्षा की दीवार को एकदम ढा दिया। भला ऐसे रखरखाव वाले कुत्ते रोज़ रोज़ कहाँ मिलते हैं? सो ये अनुपयोगी शौक हमारे प्राकृतिक डर से जीत गया। जहाज़ का लंगर उठने से पहले हमने अपने आप को एक खुश नसीब कुत्ते का मालिक पाया। लेकिन एक बात के लिए हम भी मानसिक बल्कि शारीरिक तौर पर भी तैयार न थे। 13 महीने की उम्र सुनकर हमारे ध्यान में एक बहुत ही भोली भाली सी सूरत उभरी थी। हमने सोचा जैसे 13 महीने का आदमी का बच्चा बड़ा प्यारा होता है, थन्नम थन्ना, गब्दा सा, गाँव गाँव करता हुआ, वैसा ही ये भी होगा। सच तो ये है कि बच्चा किसी का भी हो बड़ा स्वीट लगता है। फिर ये तो अल्सेशियन का बच्चा ठहरा। जी हाँ, बच्चा। दरअसल हम इसके इम्पोर्टेड होने से इस कदर रौब में आए हुए थे कि पिल्ला कहते हुए खुद शर्म सी आती। मगर सीज़र हर एतबार से हमारी उम्मीदों से बढ़कर निकला। इसका नखशिख वर्णन करके दर्शकों का समय नष्ट करना नहीं चाहते। इसके डील डॉल का सरसरी अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे पुराने कृपालु प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस की पूरी रान उसके मुँह में आ जाती थी। और ये उक्त प्रोफेसर ही ने बताया था कि खुदा के बंदे, तुमने भी बड़ा गजब किया,
13 महीने का अल्सेशियन तो पूरा पाठा कुत्ता होता है। किताबों में लिखा है कि 3 महीने से बड़ा अल्सेशियन नहीं लेना चाहिए। इस पर मिर्ज़ा ने यह नमक छिड़का कि आंखों देखी बात है, कुत्ते की तंदुरुस्ती और नस्ल अगर मालिक से बेहतर हो तो वह आँखें मिलाकर डांट भी नहीं सकता। फिर ये तो गैर मामूली तौर पर खूंखार भी नज़र आता है। हमने कहा, मिर्ज़ा तुम बेकार डरते हो। बोले, जो शख्स कुत्ते से भी न डरे मुझे उसकी वल्दियत में शक है। हमने कहा, मिर्ज़ा कुत्ता अगर खूंखार न हो तो पालने से क्या फ़ायदा, फिर आदमी बकरी क्यों ना पाल ले। बोले, हाँ बकरी वाकई कुत्ते से कई गुना बेहतर होती है। बड़ी बात यह है कि जब चाहो काट कर खा जाओ। गरचे छोटी है जात बकरी की, दिल को भाती है बात बकरी की। बहस में हम दोनों पटरी से उतर गए, लिहाजा प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस ने बहैसियत पंच बीच में पढ़कर इस सामान्य राय पर बहस समाप्त की कि कुत्ते में से अगर जबड़ा निकाल दिया जाए तो खासा अच्छा और शालीन जानवर है। काजी अब्दुल कुद्दूस ने कुछ गलत नहीं कहा था कि कुत्ता बड़ी मुश्किल से सधाया जाता है। फिर नया घर, नए चेहरे, नई बूबास, नतीजा ये कि पहली रात न खुद सोया न दूसरों को सोने दिया। रात भर एक सांस में मुंह जुबानी भोंकता रहा। दूसरी रात भी यही हाल रहा। अलबत्ता 24 घंटे के प्रशिक्षण से इतना फर्क जरूर पड़ा कि झुटपुटे के वक्त जिन घर वालों की आंख लग गई थी उनके मुंह चाट चाट कर गहरी नींद से जगा दिया गया। तीसरे रत जगे से पहले हमने उसे नींद की एक गोली दे दी, कोई लाभ नहीं। चौथी रात 2 दे दी, मगर साहब क्या मजाल जो जरा चुप हो जाए। मिर्ज़ा से संपर्क किया तो कहने लगे, मेरी मानो आज इसे कुछ मत दो, खुद 3 गोलियां खा लो। हमने ऐसा ही किया, उस रात वो बिल्कुल नहीं भौंका। लेकिन हैरत इस बात पर हुई कि सुबह 10 बजे हमारे बहरे पड़ोसी ख्वाजा शमशुद्दीन, जो नए नए पड़ोस में आए थे, हमें बड़ी बेतमीजी से झंझोड़ कर जगाया और शिकायत की कि रात भर आपका कुत्ता मेरे घर की तरफ मुंह करके खूब भौंका और देख लीजिए इस वक्त भी बहुत जी लगाकर भौंक रहा है। हमने कहा, आपका रेडियो भी तो सारे सारे दिन मोहल्ले को सर पे उठाए रहता है। खुदा गवाह है, जिस दिन से आप हमारे पड़ोस में उठकर आए हैं हमने अपने रेडियो प्रोग्राम सुनना बंद कर लिया है। और फिर ये कि हमारे पास तो कुत्ते का लाइसेंस भी है। लाइसेंस का नाम आते ही उनके चेहरे का रंग काले से बैंगनी हो गया, जिसके नतीजे में वो और उनका रेडियो 3 सप्ताह तक चुप रहे। अलबत्ता उनके चौकीदार की ज़ुबानी मालूम हुआ कि वो रातों को उठ उठ कर अपना हियरिंग एड कान से लगा कर सुनते हैं कि हमारा कुत्ता भौंक रहा है या सो गया। हमारे कानों में तो ये भनक भी पड़ी कि अब वो हरेक से कहते फिरते हैं कि कुछ कर्ज न चुकाने वाले अपने कर्जदार से बचने के लिए कुत्ता पाल लेते हैं। वो ये कहते भी सुने गए हैं कि सीज़र शरीफों का कुत्ता मालूम नहीं होता। उधर उनकी बीबी का ये हाल कि सीज़र झूठों भी दरवाजे में से झांक ले तो झट हाथ भर घूंघट निकाल लेती थी। 3 हफ्ते बाद देखा गया कि फिर मुंह फुलाए घर की तरफ चले आ रहे हैं। हमारे पुरजोश अस्सलाम अलैकुम के जवाब में फरमाया, देखिए इस सूअर के बच्चे ने क्या किया है। मिर्ज़ा बीच में ही बोल उठे, मुँह संभाल के बात कीजिए, ये कुत्ते का बच्चा है। इस विरोधी हमले के बाद हम भी कुछ सख्त बात कहने ही वाले थे कि मिर्ज़ा ने, जो उस वक्त हमसे लूडो खेल रहे थे, हमें कुहनी मारकर अपनी छज्जेदार भवों को हिलाकर ख्वाजा शमशुद्दीन की बाईं टांग की तरफ इशारा किया, जो घुटने तक पैंचे से वंचित थी। हमने कनखियों से देखा तो वाकई जख्म इतना लंबा था कि जिप लगाकर आसानी से बंद किया जा सकता था। शर्म और इंसानी हमदर्दी की भावनाओं से दबकर हमने पूछा, जी क्या कुत्ते ने काटा है? जी नहीं, मैंने खुद को काटा है। अरे साहब, घोड़े भी कुछ कम जालिम नहीं होते, मिर्ज़ा बीच में बोल उठे। खुशी से लदा हुआ मिर्ज़ा का ये वार ऐसा अचानक और प्रभावकारी था कि वहीं ढेर हो गए। एक बार को अपने जिस्मानी जख्म को भूल गए और अंदरूनी चोटों को सहलाते और घोड़ों की माँ बहनों को अरमान भरी गालियाँ देते फेड आउट हो गए। किस्सा दरअसल ये था कि उनके बुजुर्ग खैबर पार से घोड़े बेचने हिंदुस्तान आए थे और माला माल होकर यहीं पड़े रहे। आगे चलकर इन बुजुर्गों की औलाद को इन्हीं घोड़ों की अवज्ञाकारी औलादों ने तबाह कर दिया। वो इस तरह कि इस गुरुकुल के अंतिम प्रकाश स्तंभ ख्वाजा शमशुद्दीन की ब्लैक कमाई की एक एक पाई रेस में इन्हीं घोड़ों की भेंट चढ़ती।
और इनके अपने बीवी बच्चे इनकम टैक्स वालों की तरह मुंह देखते रह जाते। इस तरह के अच्छे स्वभाव से अलग सीजर बेतमीजी की आयु के शुरुआत से ही पहले दर्जे का काहिल था और दौड़ दौड़ कर काम करने के बजाय दिन का ज़्यादातर हिस्सा दरवाजे पर मेहराब के रूप में छाई हुई बोगनवेलिया की छाँव में लोटें लगाता रहता। दर्जी की सुई यूं तो हर तरह के कपड़े में से निकलती है, मगर ईमान की बात है, हमने सीजर को कभी किसी गलत आदमी को काटते नहीं देखा, और ये कहना तो सरासर गलत यानी मिथ्यारोपण होगा कि वो बिल्कुल जंगली और बेकहा था। सधा सधाया जरूर था, मगर सिर्फ 50%। इस शोकपूर्ण कथन का विवरण ये है कि अगर बच्चे हुक्म देते कि जाओ और उसके पीछे लग जाओ, तो ये मेरा शेर अपने घात स्थल से निकलकर आदेश पालन में झपट पड़ता और उसकी टाई पकड़कर लटक जाता, और जब दूसरा आदेश मिलता कि छोड़ दो, तो क्या मजाल कि छोड़ दे। मिर्जा को दाता ईश्वर ने बहुत सतर्क और वहमी मानसिकता प्रदान की है। हमें यकीन है कि अगर उन्हें अमृत भी पीना पड़े तो बगैर उबाले नहीं पिएंगे। इस एहतियात की परिपाटी के कारण उन्होंने सीजर के आने के बाद हमारे यहाँ आना जाना इतना कम कर दिया कि कभी भूले भटके आ भी जाते तो हम सब उनका इतना आदर सत्कार करते और ऐसी गर्म जोशी से मिलते कि उन्हें संशय होने लगता कि हम उधार न मांग बैठें। एक दिन हमारे कहने से प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस मिर्जा को तरह तरह से समझाने लगे कि कुत्ता बड़ा अनोखा जानवर है। कुत्ते के सिवाय कोई जानदार पेट भरने के बाद अपने पालने वाले का शुक्र अदा नहीं करता। गौर करो, दुमदार जानवरों में कुत्ता ही तनहा ऐसा जानवर है जो अपनी दुम को प्रेम और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति के यंत्र के तौर पर इस्तेमाल करता है, वरना शेष गंवार जानवर तो अपनी पूंछ से सिर्फ मक्खियां उड़ाते फिरते हैं। दुम्बा तो ये भी नहीं कर सकता, इसकी दुम सिर्फ खाने के काम आती है। अलबत्ता बैल की दुम से एक्सीलरेटर की तरह काम लिया जाता है, मगर तुम्हें बैलगाड़ी थोड़ी ही दौड़ानी है। मिर्जा की रान पर हाथ मार के जोर से बोले, हाय, एक फ्रांसीसी लेखिका क्या सुंदर बात कह के गई है कि मैं आदमियों को जितने करीब से देखती हूं उतने ही कुत्ते अच्छे लगते हैं, और कुत्तों से डरना बड़ी नादानी और बुजदिली है, खासकर विलायती कुत्तों से। फिर मिर्जा का डर निकालने के लिए उन्हीं के खिचड़ी सर की कस्में खा खा कर यकीन दिलाया कि अंग्रेजों के कुत्तों के दांत नकली होते हैं, खाने के और काटने के। और कस्मों से भी बात बनती नजर न आई तो हमारी तरफ इशारा करके अपना निजी अनुभव बताया कि इनकी देखा देखी मैंने भी 3 हफ्ते से एक दुम कटा कॉकर स्पेनियल पिल्ला पाल रखा है। कॉकर स्पेनियल की एक खास पहचान होती है कि उसके कान उसके टांगों से लंबे होते हैं और टांगें इतनी छोटी कि जमीन तक भी नहीं पहुंचती। 2 हफ्ते तक तो बच्चे दिन भर उसे गोद में लिए भौंकना सिखाते रहे, मगर अब उसको जरा इनसे दूर रखता हूँ क्योंकि जुमे को छोटे बच्चे ने खेलते खेलते इसे काट खाया अपने पहले दांत से। अभी तक पिल्ले के पेनिसिलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं। प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस बेदूध की कॉफ़ी के घूंट ले लेकर ये स्वान कथा सुन रहे थे। बैठे बैठे सीजर को जाने क्या होड़क उठी कि बोगनवेलिया की ओट से उनके कीमा भरे समोसे पर छट्टा। कॉफ़ी मुँह की मुँह में रह गई। बदहवासी में प्याली मिर्जा के सर पर गिरी, जिससे सर कई जगह पर चटक गया, और प्रोफेसर गर्म कॉफ़ी का गरारा करते हुए अपने कद से ऊँचा फाटक फलांग गए। मिर्जा ने पूछा, कुत्ते से डर गए? नहीं तो। वो फाटक के दूसरी तरफ से आत्मसम्मान भरे लहजे में थरथर कांपते हुए बोले। मुमकिन है ये बातचीत कुछ देर और जारी रहती, मगर बातचीत की विषय वस्तु ने एक ही छलांग में प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस को दबोच लिया और उनकी सुडौल रान में अपने नुकीले कील गाड़ दिए। वो मुंह फेर कर खड़े हो गए। 4-5 दिन पहले भी ऐसी ही गुत्थम गुत्था हो चुकी थी कि कभी कुत्ता उनके ऊपर और कभी वो कुत्ते के नीचे, लिहाजा हमने फिर बोगन बेलिया की कांटेदार टहनी तोड़कर एक संटी बनाई और उस बेतमीज को सड़ाक सड़ाक मारने को दौड़े, मगर प्रोफेसर जहां के तहां हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहने लगे, खुदा के वास्ते ये न करो, अभी तो मेरे पिछले नील भी नहीं मिटे। जैसा कि हमारे पाठकों ने भांप लिया होगा, कुत्ता पालना तो एक तरफ रहा, कुत्तों और प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस के आपसी संबंध काटने और कटवाने के कामयाब अनुभवों से आगे कभी नहीं बढ़े।
वरना उनका जीव विज्ञान का ज्ञान इस हद तक पुस्तकों तक सीमित यानी त्रुटिपूर्ण है कि हमारे बच्चे जिस दिन बाजार से तोते का पहला जोड़ा खरीद कर लाए तो उनसे पूछा, चचा जान इनमें नर कौन सा है और मादा कौन सी है। विद्वान प्रोफेसर ने 4-5 मिनट तक सवाल और जोड़े को उलट पुलट कर देखा और फिर फरमाया, बेटा ये बहुत आंखें फेर लेने वाला जानवर होता है, अभी 2-3 महीने और देखो, दोनों में से जो पहले अंडे देना शुरू कर दे वही मादा होगी। खैर यह अज्ञानता तो मानवीय असमर्थता समझकर फिर भी माफ की जा सकती है, क्योंकि तोता अपनी मादा को इंसान के मुकाबले अधिक आसानी से पहचान लेता है। लेकिन एक दिन उपदेशात्मक अंदाज में बड़े अनुभव की बहुत बारीक बात ये बताई कि विश्वास करो, कुत्ता रखने से सेहत बेहतर हो जाती है। ये सुनना था कि मिर्जा ने इतनी जोर का ठहाका लगाया कि संबंधों में फौरन बाल पड़ गया, जो कई बार काफी पिलाने के बाद दूर हुआ। जब संबंध नए सिरे से इस हद तक मधुर हो गए कि अबे तबे से बातचीत होने लगी, तो मिर्जा को तपाने के लिए वो फिर श्वान वंदना में लग गए। एक दिन मौज में जो आए तो ज्ञान प्रदान किया कि आयुर्वेदिक दृष्टि से कुत्ता बहुत फायदेमंद और पौष्टिकतापूर्ण जानवर होता है। ये सुनकर मिर्जा उन्हें मुसलमान नजरों से देखने लगे, तो वो अपने दोनों हाथों की उंगलियों पर अपने साथ के उन बीमारियों के नाम गिनवाने लगे जिन्हें इस कुत्ता जाति ने तंदुरुस्ती से माला माल कर दिया था। मिर्जा ने कहा, जरा खोल कर बात करो। तो बोले, अब तुमसे क्या पर्दा, कुत्ते को रोजाना गोश्त चाहिए, और ये ज्ञान हमें कुत्ता पालने के बाद मिला कि पहले हमारे घर में रोजाना गोश्त नहीं पकता था और हम बड़ी अज्ञानता भरी जिंदगी गुजार रहे थे। उनके वनस्पतिक जीवन पर जो सुप्तावस्था छाई हुई थी, उसके अचानक जाग जाने के बाद हम अपनी आंखों से देख रहे थे कि अब वो अपनी सेहत से इतने संतुष्ट हो गए थे कि एक नंबर बड़ा जूता पहनना शुरू कर दिया। हम तो इसको एक सुहानी होनी ही कहेंगे कि मुद्दतों बाद वही प्रोफेसर की तंदुरुस्ती ऐसी बहाल हुई कि हमें तो जलन होने लगी, इसलिए कि अब वो इस योग्य हो गए थे कि महीने में 3-4 दिन दवा के बिना रह सकते थे। मिर्जा कहते थे कि उसका असली कारण ये है कि इन्हें अपने काल्पनिक पिल्ले को सुबह शाम 2-3 मील टहलाना पड़ता है। ऊंची जाति के कुत्तों के स्वास्थ्यवर्धक सानिध्य से प्रोफेसरों की काया पलट होना तो अकाव्यात्मक विचार को व्यक्त करना है, फिर भी इसकी गवाही सारा मोहल्ला देगा कि हमारे कई कृतघ्न पड़ोसियों के खराब होते हुए स्वास्थ्य पर सीजर की मौजूदगी, विशेषकर इसके भौंकने का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा, जिसका एक छोटा सा करिश्मा ये था कि हमारे घर के सामने से गुजरते हुए लद्दड़ से लद्दड़ पड़ोसी की चाल में एक अजीब चौकन्नापन, एक अजीब चुस्ती और लपक छपक पैदा हो जाती थी। सीजर पलों का फासला क्षणों में तय करवा देता, औरों की क्या फिक्र, खुद ख्वाजा शमशुद्दीन, जो कहने को तो सीजर से तंग आ चुके थे, उसके सानिध्य के लाभ से खुद को न बचा सके। उक्त सेठ साहब कम बढ़ती 15 साल से लो ब्लड प्रेशर के लाइलाज मरीज थे, दवा दारू टोने टोटके पर लाखों खर्च कर चुके थे, सब बेकार। ये नौबत आ गई थी कि लालची से लालची डॉक्टर भी उन्हें अपना नियमित मरीज बनाने को तैयार नहीं था। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें रोज क्लिनिक में बैठा देखकर दूसरे मरीज बिदक जाएं, कि उस डॉक्टर के हाथ में आराम ही नहीं, लेकिन हमारे पड़ोस में आने के 3 महीने के अंदर न सिर्फ ये कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़कर नॉर्मल हो गया, बल्कि खुदा के करम से इससे भी 15-20 दर्जे ऊपर रहने लगा। इन घटनाओं का संबंध उस अज्ञानता के युग से है जब हम कुत्ता पालना खेल समझते थे। कैनल क्लब का नियमानुसार मेंबर बनने के बाद हमें ये एहसास हुआ कि सीजर तो बेचारा बिल्कुल बेकसूर था, गलती सरासर हमारी थी कि कुत्ते को अपनी औलाद की तरह यानी डांट डांट कर पाल रहे थे। बड़े बड़े लोगों से कुत्ता पालने के कायदे कानून सीखे तो पता चला कि कुत्ते के साथ तो शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, बल्कि उसके सामने तो बच्चों को भी बेदर्दी से नहीं पीटना चाहिए, वरना उसका व्यक्तित्व पिचक के रह जाता है। और यहाँ तो ये दशा थी कि घर के हर व्यक्ति ने उस पर भौंक भौंक कर अपना गला बिठा लिया था। लेकिन जैसे जैसे कुत्ता बड़ा हुआ, हम में भी समझ आती गई और डांट फटकार का सिलसिला बंद हुआ। सीजर ही के दम खम से 8-9 साल तक ऐसी निश्चिंतता रही कि कभी ताला लगाने की जरूरत ही नहीं हुई।
उसको हमारे सामान की सुरक्षा का इतना ध्यान न था कि शामत का मारा कोई कौआ या बिल्ली किचन के पास से भी निकल जाए तो नथुने फैलाकर इस बुरी तरह खदेड़ता कि सारे चीनी के बर्तन टूट जाते। घर की चौकीदारी और काम काज में इस तरह हाथ बटाने के अलावा वो एक समझदार कुत्ते की बाकी सारी जिम्मेदारियां भी निभाता रहा, जिनसे साफ वफा की सुगंध आती थी। यही नहीं कि वो नाश्ते में हमारे लिए ताज़ा अखबार मुंह में दबा कर लाता, बल्कि जब महीने की पहली तारीख को अखबार वाला बिल लेकर आता तो उस पर भौंकता भी था। एक मुंह में अखबार लाना ही नहीं, वो तो ये कहिए कि हमने खुद 2-3 बार सख्ती से मना कर दिया, वरना वो तो हमारे लिए टोस्ट भी ऐसे ही ला सकता था। खाने पर दोनों वक्त वो हमारी कोहनी से लगा बैठा रहता और नियमानुसार हम हर 5 निवालों के बाद 1 निवाला उसे भी डाल देते। अगर वो उसे सूंघ कर छोड़ देता तो हम भी तुरंत ताड़ जाते कि हो न हो खाना बासी है। गरज ये कि बहुत जहीन था और खूब सेवा करता था। वक्त गुजरता दिखाई नहीं देता, मगर हर चेहरे पर एक कहानी लिख जाता है। कल की सी बात है, जब सीज़र बच्चा सा आया था तो प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस, जो सदा से एक रंगी के कायल हैं, इतवार के इतवार मोचने से अपने सर पर सफ़ेद बाल उखाड़ा करते थे। बाल वो अब भी उखाड़ते हैं, मगर अब सिर्फ काले। उन्हें खुद भी अपनी उम्र का एहसास हो चला था और शायद इसी कारण अब सिर्फ बाल बच्चों वाली औरतों पर उनकी तबीयत आती थी। नादान बच्चों की वो पहली खेप जिसने सीज़र के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखी, अब माशाल्लाह इतनी सयानी हो चुकी थी कि उर्दू शेरों का सही मतलब समझकर शर्माने के काबिल हो गई थी। सीज़र भी धीरे धीरे परिवार ही का एक बूढ़ा सदस्य बन गया। इस दृष्टि से अब उसका कोई नोटिस नहीं लेता था। हमारे देखते देखते वो बूढ़ा हो गया और साथ ही साथ दिल में उसके लिए संगत और सहयात्रा का एहसास, दर्द मंदी और सहभाग्य का एक बंधन सा पैदा हो चला कि हमने एक दूसरे को बूढ़ा होता देखा है। एक साथ समय से हार मानी है। आज उसकी एक एक बात याद आ रही है। जवान था तो राह चलतों का पंजे झाड़कर ऐसा पीछा करता कि वो घिघिया कर निकटतम घर में घुस जाते और बेआबरू होकर निकाले जाते। वो ताक में रहता और निकलते ही उनके मुंह और गर्दन को हर बार दूसरे ढंग से ऐसे भंभोड़ता जैसे जानवर नहीं किसी अंग्रेजी फिल्म के नदीदे हीरो हो। ये मिर्ज़ा के सब शब्द हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेज़ी फिल्मों में लोग यूं प्यार करते हैं जैसे तुख्मी आम चूस रहे हों। अभी 3 साल पहले तक तो उसे देखकर पड़ोसियों का चुल्लुओं खून सूखता था, मगर अब इतना बूढ़ा हो गया था कि दिन भर बोगनवेलिया के नीचे किसी पहुंचे हुए फ़कीर की तरह ध्यान में डूबा रहता। बहुत हुआ तो वहीं से लेटे लेटे दुम हिलाकर अपना प्यार जता देता, अलबत्ता छोटे बच्चों को, चाहे घर के हों या पास पड़ोस के। कभी निराश नहीं किया और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बच्चा उसे आवाज़ देकर गेंद फेंके और वो गूदा भरी नली छोड़ छाड़ गेंद अपने मुंह में रखकर वापस न लाए। इस मामले में उसने बच्चों का दिल रखने का इतना ध्यान दिया कि कई बार फुटबॉल तक मुँह में रख कर लाने की कोशिश की। हाथ पाँव अब धीरे धीरे जवाब दे रहे थे। सारी तुन फुन गायब, गर्रा फिश गायब। मिर्ज़ा के शब्दों में उसका बुढ़ापा जवानी पर था। किसी किसी दिन तीसरे पहर बोगनवेलिया की छाँव में वही सनसनी खेज उर्दू अखबार ओढ़े ऊँगता रहता, जिसमें नौकर सुबह कीमा बंधवा कर लाया था। चांदनी और मादाओं की मस्त महक से अब उसके खून में ज्वार भाटा नहीं आता था। कहाँ तो नौबत ये थी कि गर्मी पर आता तो शाम ही से जंजीर तुड़वा कर आदम कद ऊंची दीवार फांद कर जाता और सुबह की अजान के वक्त कामयाबी का सुख लिए लौटता था। अब इस जवानी देखे बुजुर्ग का ये हाल हो गया था कि गरमाई हुई मादा और हड्डी एक ही समय नजर आ जाएं तो हड्डी पर ही झपटता था, और जब इस हड्डी को पपोलते पपोलते उसके बूढ़े जबड़े दुखने लगते तो उसे लाल बोगनवेलिया के नीचे दबा के वुजू के लोटे में मुंह डालकर पानी पीने चला जाता। यकीन नहीं आता था कि ये वही सीज़र है जिसके जबड़े की मुहर मोहल्ले के हर तीसरे आदमी की पिंडली पर आज तक गवाही दे रही है, गोया कि अब जिस जगह पे दाग हैं या आगे दर्द था। वही दुम
जो एक जमाने में प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह खड़ी रहती थी, अब निर्धन की मूंछ की तरह लटकने लगी। उसके हम उम्र एक एक करके वो गलियां सूनी कर गए, जहां से रातों को अनदेखे भेद भरे जिस्मों की खुशबुओं के बुलावे आते थे। वो तन्हा रह गया, बिल्कुल तन्हा, तन्हा और उदास। नई पौध के मुंहजोर कुत्तों के साथ उठना बैठना तो अलग, उनके नए दौलतमंद मालिकों पर भौंकना भी अपने रुतबे के खिलाफ समझता था। लेकिन जिस दिन से माताहारी की जवान पठोर बेटी क्लियोपेट्रा भरी दोपहरी में एक हलवाई के बेनाम कुत्ते के साथ भागी, वो हफ्तों अपनी जाति की आवाज़ तक को तरसने लगा। जब तन्हाई से बहुत जी घबराने लगता तो रेडियो के पास आकर बैठ जाता और पक्के गाने सुनकर बड़ा खुश होता। जिस्म के साथ साथ नज़र भी इतनी मोटी हो गई थी कि कभी प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस उजले कपड़े पहनकर आ जाते तो उन्हें अजनबी समझकर भौंकने लगता। अलबत्ता सुनने में फ़र्क नहीं आया, साफ मालूम होता था कि वो अटकल से गेंद का पीछा करता है और इसके टप्पा खाने से दिशा और स्थान का अंदाजा कर लेता है। एक दिन शाम को अच्छा खासा बोगनवेलिया के नीचे अपना खास आसन लगाए, दाई आँख जो बचपन से लाल रहती थी आधी बंद किए और बाएं पंजे पर अपनी थुथनी रखे बैठा था कि एक नीले रिबन वाली बच्ची ने शू कहकर सड़क पर पिंग पोंग की गेंद फेंकी। वो आवाज़ की सीध पर लपका, मगर जैसे ही गेंद पकड़कर तेज़ी से पलटा, एक कार के ब्रेक लगने की दिल चीर देने वाली आवाज़ सुनाई दी। बच्चे चीखते हुए दौड़े, सड़क पर दूर तक टायरों के घिसटने से दो काली पट्टियां बन गई। कार एक धचके के साथ रुकी और अपनी स्प्रिंगों पर दो तीन हिचकोले खाकर गुर्राती हुई तेज़ी से पहले ही मोड़ पर मुड़ गई, मगर सीज़र बीच रास्ते में ही रह गया। उसका पिछला धड़ कार का पूरा भार सहन कर चुका था, मुंह से खून जारी था और पास ही गेंद पड़ी थी जो अब सफ़ेद नहीं रही। सबने मिलकर उसे उठाया और फाटक के पास बोगनवेलिया के नीचे लिटा दिया। लगता था धमनियों के मुंह खुल गए हैं और उसका जीवन दिल की हर धड़कन के साथ रिस रहा है, घाव घाव, बूंद बूंद, पल पल। हर एक उसे छू छू कर उंगलियों की पोरों से दिल की धड़कन सुन रहा था, वो धड़कन जो दूसरी धड़कन तक एक नया जन्म, एक नई योनि प्रदान करती है। किस जी से कहूँ कि उसका दाना पानी उठ चुका था और वो विदा हो रहा था। इस हिम्मत, इस हौसले, इस सुकून के साथ जो सिर्फ जानवरों का भाग्य है, बगैर कराहे, बगैर तड़पे, बगैर मायूस हुए, बस शून्य में नज़रें जमाए देखे चला जा रहा था। बारी बारी सबने उसे चुमकारा, सर पर हाथ रखते ही वो आंखें झुका लेता और ये याद करके सबकी आंखें भर आईं कि उसकी ज़िंदगी में आज पहला मौका था कि सर पर हाथ फिरवाते वक्त जब जवाब में वो अपनी रेशम सी मुलायम दुम हिला नहीं सकता था। आज उसके नथनों में से एक अजनबी खून की बू घुसी जा रही थी। कोई आधा घंटा गुजरा होगा कि चार पांच कौवे ऊपर मंडराने लगे और धीरे धीरे इतने नीचे उतर आए कि उनके मनहूस साए उस पर पड़ने लगे। कुछ देर बाद अहाते की दीवार पर आ बैठे और शोर मचाने लगे। सीज़र ने एक नज़र उठाकर उन्हें देखा। एक पल के लिए उसके नथुने फड़के, फिर उसने अपनी आँखें झुका ली। हमसे ये देखा नहीं गया। उसका खून से सना मुंह खोलकर नींद की गोलियों की शीशी हल्क में उलट दी और कॉलर उतार दिया। ज़रा सी देर बाद वो अपने प्यार करने वालों की धुंधलाती सूरतें देखता देखता हमेशा के लिए सो गया। मार्च के चढ़ते चांद की भीगी भीगी रोशनी में जब बच्चों ने मिलकर उसकी प्यारी बोगनवेलिया के नीचे ज़मीन की अमानत ज़मीन को सौंपने के लिए गहरा सा गड्ढा खोदा तो छोटी बड़ी बेशुमार हड्डियां निकली जिन्हें वो शायद दफन करके भूल गया था। दूर दूर तक बोगनवेलिया की लंबी लंबी उंगलियों जैसी जड़ें अपना रास्ता टटोलती हुई ज़मीन के हल्के गर्म सीने में उतरती चली गई थी और उसका रस चूस चूस कर
शाखों के सिरों पर दहकते हुए फूलों तक पहुंचा रही थी। सूखी प्यासी जड़ों को आज सीजर के लहू ने उन फूलों से भी अधिक, फूलों से भी ज़्यादा लाल कर दिया होगा जो बच्चों ने कब्र के मुंह पर अपनी सलेटों और तख्तियों से बंद करके ऊपर बिखेर दिए थे। आखिर में नीले रिबन वाली बच्ची ने अपनी सालगिरह की मोमबत्तियाँ सिराने जला दी। उनकी उदास रोशनी में बच्चों के मैले गालों पर आंसुओं की नमकीन उजली लकीरें साफ चमक रही थीं। कई महीने बीत गए। पतझड़ के बाद बोगनवेलिया फिर अंगारे की तरह दहक रही थी, मगर बच्चे आज भी उस जगह किसी आदमी को पांव नहीं रखने देते कि वहाँ हमारा एक साथी सो रहा है।